बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर ट्वीट क्या किया। सचिन पायलट समेत उनके समर्थकों ने बीजेपी नेता को सोशल मीडिया पर लताड़ लगानी शुरू कर दी। दरअसल 13 अगस्त को अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करवाने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। अमित मालवीय के इस ट्वीट के जवाब में सचिन पायलट ने भी कोई कमी बाकी नहीं रखी। पायलट ने बाकायदा राजेश पायलट का वो सर्टिफिकेट भी अटैच कर दिया जिसमें राजेश पायलट के वायुसेना में कमीशन होने की तारीख लिखी है जो कि 29 अक्टूबर 1966 है। पायलट ने अमित मालवीय पर पलटवार करते हुए लिखा कि आपके पास गलत तारीखें और तथ्य हैं। हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन वो बम 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर गिराए गए थे। उन्होंने मिजोरम पर बम नहीं गिराया जैसा आप दावा कर रहे हैं। मेरे पिता को 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मेरे पिता ने 80 के दशक में एक राजनेता के तौर पर मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। पायलट मालवीय विवाद में ये दोनों नेता ही आपस में वाकई युद्ध नहीं कर रहे बल्कि पायलट समर्थकों ने भी बीजेपी नेता को खूब घेरा है। इधर मालवीय समर्थकों में से एक फैक्ट्स ट्विटर हैंडल के जरिए निजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस और शेखर गुप्ता की एक खबर का हवाला देते हुए लिखा गया कि अखबार ने 2011 में इस बात की जानकारी को छापा था जबकि शेखर गुप्ता ने 2020 में भी इसी जानकारी को फिर से साझा किया था। फिलहाल ये मुद्दा राजनीति को किस तरफ मोड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन इंदिरा गांधी को आधार बनाकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति में बीजेपी राजस्थान में सियासी भविष्य तलाश रहे सचिन पायलट को भी चोट पहुंचाने की कोशिश में है। ये साफ है, देखना होगा कि आगे और क्या बयान इस मामले में आते हैं। रिपोर्ट, राजस्थान चौक।